हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर सेवन का एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 करेंगे। तो 7.3 की फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वेश्चन तो हमारा फिगर देख के करना है, और बाकी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग 3/5 है और सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो हमने ऐसे लिख दिया 3/5 और कह रहे हैं डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला टर्म वो 20 होना चाहिए, तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 20 कैसे आएगी, 5 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तब 20 आया। तो ऐसी सेम यही चीज हमें ऊपर भी अप्लाई करनी होगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 4 = 12। तो ये हमारा फ्रैक्शन है जो कि इस 3/5 के इक्विवेलेंट है। ऐसे नेक्स्ट डी पार्ट कह रहे हैं न्यूमरेटर 27 है तो पूरा फ्रैक्शन बताओ। तो 3/5 लिख देंगे और ये 27 लिख दिया हमने ऊपर न्यूमरेटर में। तो 27 3 के टेबल में कितने टाइम पे आता है, 9 टाइम पे, 3 × 9 = 27। तो ऐसे 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 9 = 45। तो ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 27/45। फिर सिक्स क्वेश्चन कह रहे हैं चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। क्या इक्विवेलेंट है ये, इक्विवेलेंट मतलब उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 5/9 और ये 30/54, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 टेबल में कट जाएगा, 6 × 5 = 30 और 6 × 9 = 54। तो ये भी 5/9 आ गया, तो हाँ ये इक्विवेलेंट है। ऐसे बाकी पार्ट सब करेंगे। एट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं रमेश के पास 20 पेंसिल है, शीलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल है। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली, शीलू ने 25 और जमाल ने 40। तो कह रहे टोटल फ्रैक्शन कितना यूज कर लिया। तो रमेश का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो यूज्ड पेंसिल है वो ऊपर रखेंगे, टोटल हमेशा जो है हम नीचे रखते हैं। तो 10/20, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन यूज हो गया, 1/2। ऐसे शीलू का भी 25 पेंसिल यूज कर ली, 25 ऊपर रखेंगे, टोटल थी कितनी 50, तो हाफ पेंसिल। और जमाल ने भी 40 जिसका आधा, तो तीनों ने हाफ फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन हर एक का। ऐसे 7.4 का अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ईला जो है उसने 25 पेज पढ़े थे एक बुक के जिसमें 100 पेजेस थे, ठीक है, और ललिता ने 2/5 फ्रैक्शन की टर्म्स में सेम बुक्स में, बट उसको हम पेजेस के टर्म्स में निकालेंगे तो 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा सॉल्व होके इस तरीके से 40 पेजेस। तो किसने ज्यादा कम पेजेस पढ़े हैं, हमारे ईला ने 25, तो ईला रीड लेस पेजेस। फिर कह रहे हैं रफीक जो है वो 3/6 पार्ट एक्सरसाइज का था एक घंटे का, और रोहित 3/4। तो हम घंटे तो मतलब एक ही घंटा हुआ इसलिए क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। तो रफीक का निकालेंगे जब 3/6 इनटू में 60 करेंगे तो सॉल्व होकर आ जाएगा 30 मिनट्स, और रोहित का जब निकालेंगे तो 45 मिनट्स आएगा। तो किसने ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज किया है, तो रोहित ने, ठीक है। तो 7.3 एंड 7.4 आप खुद से करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।